हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लकड़ियों के लिए जा रहे हैं, तो मम्मी आ रही है पीछे से आराम से और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई हूँ, मम्मी को रुकी हूँ मतलब। तो अभी मम्मी आ जाएगी तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों धूप भी आ रखी है और बादल भी लगे हैं, देखो। तो दोस्तों यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखता है, ये देखो। और हमें वो ऊपर जाना है। तो दोस्तों ये जितने भी मेरे पीछे मतलब पेड़ दिख रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे बांस के पेड़ हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। और बगल में चीड़ के पेड़, और हमें इसी में से लकड़ियां काटनी है। ये वाले पेड़ में से नहीं, मतलब ऊपर है हमारा वाला पेड़। तो दोस्तों अभी हम काफी ऊपर आ गए हैं और टॉप में मतलब, और यहाँ से हमारा गाँव बहुत ही नीचे दिख रहा है, वो देखो। और काफी सुंदर भी दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जहां पर हमने लकड़ियां काटनी है, पेड़ में चढ़ के उनकी टहनियों को काटते हैं फिर लकड़ियां बनाते हैं, ठीक है। और उसको मैं आपको नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाऊंगी क्योंकि पकड़ने वाला कुछ है नहीं। तो हम पहले लकड़ियां बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखता है और काफी अच्छा भी लगता है ऊपर साइड को। और अभी हम लकड़ियां बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों लकड़ियां वकड़ियां बना ली है और अभी यहाँ सारे लोग ग्वाला आए हैं। तो दोस्तों दीदी लोग सारे ग्वाला आए हैं गाय बकरियों को चराने के लिए। बैल एक बकरी तो यहाँ भी आ रखी है नीचे। तो दोस्तों मेरी मम्मी भी नीचे ही गई है क्योंकि वो शूट होता है जो उसको इकट्ठा करके कट्टे में भर रही है और जलाने के लिए होता है ना आग। मैंने तो लकड़ियां बना ली है और यहाँ पर सारे लोग ग्वाला आ रखे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने लकड़ियां बना ली है और हाथ भी ऐसे हो गए और मम्मी यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है। चलो फिर हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों लकड़ियां बहुत ज्यादा भारी हो रही है, ज्यादा ही बना ली मैंने। तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं और लकड़ियां हमने यहाँ पर इकट्ठा करके अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रखी है लकड़ियां और अभी वो है, उनको भी इन्हीं की तरह रखेंगे सीधे लाइन बार करके। और ये है, और ये हमारा घास का लूटा। अभी जो मैं लकड़ियां लाई वो वहीं पर है, उनको नीचे डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर रखे है हमने लकड़ियां और ऐसी उन लकड़ियों को भी ऐसी रखेंगे सीधे लाइन बार करके। तो दोस्तों अभी कपड़े धोते हैं, उसके बाद। तो दोस्तों खाना पीना खा के एकदम नींद से आ गई, तो थोड़ी देर धूप सेका और अब तो धूप भी चले गई। और आज हमने सारे कपड़े बाहर से रखे हैं क्योंकि सूखने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अंदर थोड़े सीलन हो गई थी उनपे, तो बाहर रखे थे मम्मी ने, अभी इनको अंदर रखना है, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी कपड़े अपड़े सब रख लिए हैं मम्मी ने, बस थोड़े से बचे इनको रखते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, मम्मी दराजे वगैरह निकालती है, फिर उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों आज बादल लगे हैं, पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी, पर बारिश चाहिए आजकल क्योंकि खेती वाती कुछ नहीं हो रही है, अनाज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। बारिश आ जाती तो थोड़ा अच्छा होता। अभी हम चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सून काटने के लिए, और जहाँ हम आए हैं सून काटने के लिए यहाँ से आड़ बोलते हैं और ये रोड के नीचे पड़ी है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे गेहूं हो रखे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा खेत है, ये आई हो, और ये सब ताई मतलब ताई लोगों का है ऊपर वाला खेत, देखो, जिसमें बहुत सारा सरसों रखा है। और ताई काटने भी लग गई पेड़ में जाके, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो, ये सारे ऊपर सरसों लगा रखा है सबने, गेहूं सरसों दोनों एक ही साथ। और सरसों कितनी अच्छी हो रखी है देखो, और ये हमारे गेहूं है। और ताई नीचे पहुंच भी गई और इस साइड को फड़ियाली है साइड को। तो दोस्तों बारिश की वजह से ऐसे खेत सूखे सूखे पड़ गए हैं, मतलब कहीं कहीं पर तो अच्छे हो रहे हैं पर कहीं कहीं पर
छोटे छोटे पौधे जो बारिश की वजह से नहीं बढ़ पा रही है ऊपर को। तो दोस्तों यहाँ पर सारे केले के पेड़ हैं और ये दूसरा गांव आ गया अब, ठीक है। ये सारे केले के पेड़ हैं। तो दोस्तों आज कितने काले बादल लगे हैं, काश आज बारिश आ जाती तो अच्छा होता, थोड़ा खेतों को मिल जाता थोड़ा पानी। तो दोस्तों अभी मम्मी पेड़ में जा रही है ये वाला, और ये सूंग जो है इससे भेकू बोलते हैं, हैं? दोस्तों ये है भिक्कू का पेड़, और इसमें से मम्मी सूंग निकालेगी, इसकी पत्तियां जो हैं, ये देखो ये है हमारा पेड़ थोड़ा सा। तो दोस्तों मेरा काम है इन लकड़ियों को रखना, और इनको रखती हूँ मैं, क्या उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक गड्ढा बना रखा है टैंकी सा छोटा छोटा, और यहाँ से पानी आता है, पानी नीचे को गधेरे गधेरे नीचे जाता है, और ये पानी ऊपर हमारा जो धारा है वहीं से आता है ये वाला पानी, ये देखो ये पानी पूरा बह के नीचे तक जाता है, नीचे यहाँ से पाइप भी लगा रखा है मतलब पानी के लिए नीचे, वो भी नीचे गांव है ना वहीं को जाता है वो पाइप से पानी नीचे को। और अभी मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पर बिच्छू घास भी है ये। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों अभी ये शाम का व्यू है, और काफी सुंदर लग रहा है देखो। तो दोस्तों घास से सूंग से लकड़ियों से सबसे आ गए हम, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, देखो ताऊ जी साफ सफाई कर रहे हैं, और क्योंकि हमने एक पेड़ काटा था ना कल, क्योंकि उससे धूप नहीं आ रही थी या इधर को मतलब उस साइड को, तो उसको काट दिया पेड़ को। तो अभी ताऊ उसी को साफ कर रहे हैं, उसको नीचे को लगा रही है, ये पेड़ काटा कल, और अभी ताऊ यहाँ पर साफ कर रहे हैं, पूरा लकड़ी लकड़ी अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं मैगी, तो आप ब्लॉग में बने रहना ठीक है, हम बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं मैगी। तो दोस्तों हमने पहले पानी को गर्म करने के लिए रखा है फ्राई बीन में, और फिर हम मैगी को डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें मैगी डाली है, अब हम मसाले डालते हैं, मैगी मसाला इसी का, सिंपल सा बना रहे हैं क्योंकि एक ही है ना मैगी। तो दोस्तों फाइनली मैगी बन चुकी है, और ये कुछ इस तरह हो रखी है पानी, पर फिर भी दादा और मैं ऐसे ही खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दादाजी भी खा रहे हैं, दादाजी कैसा हो रहा है? बढ़िया। तो हम सब लोग खा रहे हैं, ताऊ नहीं खाते हैं, और अभी हम मैगी खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मैगी वैगी खा के अब मैं आ चुकी हूँ घर, और मम्मी सब्जी काट रही है अरबी की। तो ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।